हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे किसी भी पर्सन की इंस्टाग्राम स्टोरी वॉच कर सकते हो बिना उसे पता लगे। मतलब उसे पता नहीं चलेगा उसका आप इंस्टाग्राम स्टोरी वॉच कर लोगे, आपका जो नाम है उसकी सीन लिस्ट में भी शो नहीं होगा। वीडियो 100% वर्किंग बनाता हूं, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको उसकी प्रोफाइल ओपन करनी है जिसका आप स्टोरी वॉच करना चाहते हो। उससे पहले आप हमें प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यूज़र नेम है dm.knowledge, फॉलो कर सपोर्ट करिए। अब यहाँ पर देखिए आपको उसकी प्रोफाइल ओपन करनी है, तो मैं किसी की प्रोफाइल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यह प्रोफाइल ओपन कर लिया। अब यहाँ पर ऊपर आपको 3 डॉट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी प्रोफाइल URL, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इससे इसका जो URL है वो कॉपी हो जाएगा। अब आपको बैक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टोरी व्यूअर। स्क्रीन पर आप स्पेलिंग देख सकते हो, आपको सिंपल है यही लिखकर सर्च कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट आएगी IG एनोनी की, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो लिखा गया है इंटर यूज़र नेम, यहाँ पर आपको देर तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही जो आपने कॉपी किया था प्रोफाइल URL वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको प्रोफाइल URL यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है तो डायरेक्ट आप उसका यूज़र नेम भी लिख सकते हो। यूज़र नेम लिखने के बाद या फिर प्रोफाइल URL पेस्ट करने के बाद जो सर्च का बटन है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही जितना भी स्टोरी उसने लगाया हुआ है सभी स्टोरी आपके सामने आ जाएंगी। और जिसका भी प्रोफाइल आप एक बार सर्च कर दोगे तो बार बार उसका यहाँ पर प्रोफाइल आपको दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी वेबसाइट ओपन करोगे उसका नाम शो हो जाएगा नीचे, उस पर क्लिक कर डायरेक्ट उसकी स्टोरी आप देख सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया देख सकते हो आप प्रोफाइल आ चुकी है कारवर्ल्ड की। अब यहाँ पर अगर आपको प्रोफाइल पिक डाउनलोड करनी है तो प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ से आप इसे HD में डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर नीचे आप आइएगा स्टोरी देखना है तो आपको नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको सभी स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो कि उसने सेट करी हुई है। अगर आप ऑटो प्ले पर देखना चाहते हो तो सिंपल है, ऑटो प्ले यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर आप स्टोरी देखते हो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आप स्टोरी देख पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखा आपने कितना आसानी से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको स्टोरी डाउनलोड करनी है तो ऊपर आपको डाउनलोड का बटन भी मिल जाता है, इस पर क्लिक कर आप इजीली स्टोरी को डाउनलोड कर पाओगे। देख सकते हो आप स्टोरी डाउनलोड हो चुकी है, डाउनलोड करने के बाद आप इसे गैलरी में जाकर देख सकते हो। तो यही है वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।